तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट शाहिदुल रहमान मुगल साहब, तो इनसे हम बात करेंगे, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे। सर बताइए, तो एक तरफ से तो हम देख रहे थे म्युनिसिपलिटी में कुछ जो है टोन में उतने काम दिखे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि एसेट जो है काफी जनरेट हुए, तो आप इन एसेट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आने वाले समय में जो आने वाले जो नेक्स्ट जो होंगे काउंसलर्स, उनके लिए एक रास्ता खुल गया? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसे कि हमारी म्युनिसिपलिटी पूरे स्टेट में मुझे लगता है यूटी में सबसे कमजोर म्युनिसिपलिटी है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट बहुत कम होता है अपना। और जैसे कि गवर्नमेंट अब स्ट्रेस दे रही है कि जितना अपना रेवेन्यू जनरेट करोगे उतना ही उसके साथ साथ हम थोड़ा सा और आपको इमदाद करेंगे, लेकिन पहला है कि रेवेन्यू जनरेट करना है हर म्युनिसिपलिटी को। और उसी सिलसिले में हमारे ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं। एक प्रोजेक्ट ये है हमारे होटल का, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट ये है, ये बन रहा है। 25% काम इस पर हो चुका है। उसके अलावा 53 शॉप्स यहाँ पे बस स्टैंड पे बनी हैं, बनने जा रही हैं, उसमें से 43 के करीब बनी है, बाकी और बनेंगी। और उसके अलावा भी हम सोचते हैं कि जो हमारा ये सेंटर है, ये कौन सा क्या सेंटर है, ये ओपन एयर जिम के साथ जो लैंड है उस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, वो भी अगर डिस्प्यूट हमारे हक में होगा रिजॉल्व, तो वहाँ पे भी 50-60 दुकानें बन सकती हैं, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके अलावा हमने एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया सेरी बस स्टैंड में, तो उससे भी काफ़ी जनरेट होगा रेवेन्यू हमारा। तो ये भी जो भी रेवेन्यू यहाँ आएगा तो ये तो डेवलपमेंट के कामों में ही लगेगा, ये किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर बंद करके नहीं रहेगा। इससे जो भी जहाँ पे भी रिपेयर की जरूरत होगी, लैंड ट्रेन्स की जरूरत होगी, किसी चीज़ की भी जरूरत होगी, और हमारे जो ये कंट्रेक्चुअल है एम्प्लॉयज उनकी पे के लिए, वो सारा खर्चा इसी में से निकलेगा। तो हम देख रहे थे एक दो साल पहले तो ये तो गुमान में भी नहीं था किसी के, यहाँ पे इतना बड़ा होटल बनेगा, इतनी दुकानें बनेंगी, तो क्या इसका जो है आप जो है क्या समझते हैं, क्रेडिट किसको मिलता है, म्युनिसिपल कमेटी को या हमारे जो AO साहब हैं या पूरी टीम को आप इसका जो है क्रेडिट देते हैं? इसका क्रेडिट पूरी म्युनिसिपलिटी को मिलेगा, क्योंकि म्युनिसिपलिटी की कोशिश से ही ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गए हैं। बस क्रेडिट सबको जाता है, सब काउंसलर्स को जाता है, EO को जाता है, सारी म्युनिसिपलिटी को जाता है कि हमने थोड़ी बहुत मेहनत करके ये प्रोजेक्ट सेंक्शन कराए हैं।